है एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हू दोज आर न्यू, हाय माय नेम इज स्वेच्छा एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है दिवाली दिया डेकोरेशन आइडिया। सो ये मैं वेस्ट मटेरियल से बनाने वाली हूँ। मेरे पास ये लिक्विड बॉटल पड़ा था, इसी का यूज़ करके मैं बनाऊंगी। सबसे पहले इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल दीजिए, थोड़ा सा आप पुश करेंगे बाहर साइड वो निकल जाएगा ईजिली। उसके बाद आपको वॉश करना है, देन उसको यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे कवर करेंगे जूट से। अगर आपके पास जूट रोप नहीं है तो आप किसी और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे ये कवर हो सके। और आप इसमें आर्कलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पेंट का यूज़ करके इसे कवर कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको कवर करना है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, वो पार्ट वन था, ये पार्ट टू है, बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ये आप देख सकते हो, ऊपर का जो स्पेस था वो बाकी था, इसलिए मैं इसे दूसरे कपड़े से कवर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्लॉथ का यूज़ किया है, जो थोड़ा चिकना वाला क्लॉथ होता है उसका मैंने यूज़ किया है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट तरीके से इसे कवर कर सकते हैं, ये देखिए। अगर आपको ये डेकोरेटिव आइटम अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे से थोड़ा डेकोरेट करेंगे, यहाँ पे मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लेस कुछ भी पड़ा हो ऐसा जिससे आप डेकोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टोन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ऐसी फालतू पड़ी हुई थी तो मैंने इसका यूज़ कर लिया यहाँ पर, एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ऊपर साइड भी मैं एक लेस का यूज़ कर रही हूँ, ये भी छोटा सा पार्ट मेरे पास रखा हुआ था, इसी का भी यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। और इसे स्टिक कर देंगे अच्छे से, ग्लू गन की हेल्प से आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है। ये मेरे पास राखी है, बहुत पुरानी राखी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, सेंटर में कुछ इस तरीके से लगाएंगे ताकि इसका लुक जो है बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, और इसे इस तरीके से स्टिक कर देंगे। ऐसे ही कोई भी स्टोन वगैरह या फिर कोई राखी या कुछ भी ऐसा आइटम आपके पास पड़ा हो उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सेंटर पर, या फिर आप सातिया वगैरह या ओम वगैरह भी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा जो है थ्रेड था मैंने उसे कट कर दिया है, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से स्टिक हो चुका है ये। आप दिया रेडी करेंगे तो ये मार्केट वाला दिया है, आप चाहें तो जो घर में मिट्टी के दिए होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप आर्ट या क्ले का भी बना सकते हैं। तो इसे भी मैं लेस से कवर करूँगी ताकि ये बहुत ही सुंदर दिखे। यहाँ पे गोल्डन कलर की लेस मैंने यूज़ की है तो ये मार्केट जैसा लुक देगा थोड़ा सा आपको, ये देखिए इस तरीके से आप कवर कर लीजिए। अब इसे हम स्टिक कर देंगे, देखिए इस तरीके से आपको स्टिक करना है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये, आप ऐसे दो बना सकते हैं, मंदिर में रखिए किसी कॉर्नर में या फिर घर के बाहर कहीं पे भी आप गार्डन वगैरह में भी रखेंगे, बहुत सुंदर लगने वाले हैं ये। सो इस दिवाली आप इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे अभी पार्ट्स आने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाइट व्यू भी मैं आपको दिखा दूंगी, अभी आगे आपको दिखाऊंगी किस तरीके का लगने वाला है ये। आप देखिए कितना फिनिशिंग, कितनी क्लियरिटी आई है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने जलाकर दिखा दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो आप इसे अपने घर पे ट्राई करिए और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।